नमस्कार, यूपी 32 न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ लखनऊ, संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी समन्वय समिति उत्तर प्रदेश तथा हमारे चार संगठन एक साथ संयुक्त होकर के एक मंच पर आंदोलन की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है, जिसमें हम लोग पहली तारीख को विधानसभा के लिए जाएगा, हमारे इस पर अनशन आज समाप्त किया। ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के अनुरूप जो है कार्य नहीं किया जाता है। इस बार हम वो संघर्ष का ऐलान किए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्राइमरी कृषि सहकारी समिति को बंद करेंगे, किसानों को खाद बीज कीटनाशक दवाएं और जो है गेहूं धान की खरीद भी बंद करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और यह पूरा कार्य बहिष्कार। आपका ये आंदोलन कब से स्टार्ट होगा? पहले 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। क्या क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है प्राइमरी सहकारी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की बात राजकीय कोष वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि समितियों के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं सचिवों को उनके बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जाए। तीसरा मांग हमारा है कि पैक्स कर्मियों को कोई भविष्य निधि बीमा एवं पेंशन आदि की सुविधा नहीं मिलती है, ऐसे में इनको 2 वर्ष का अतिरिक्त सेवा विस्तार देते हुए सेवानिवृत्त की आय सीमा 62 वर्ष की जाए। तो इन मांगों को लेकर आप हड़ताल पे रहेंगे? हाँ, हड़ताल पर है, पूरा समितियों का कार्य बहिष्कार करेंगे, किसानों को ऋण खाद बीज धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या धरना प्रदर्शन भी करेंगे? विधानसभा का घेराव करेंगे। अच्छा, 29 अक्टूबर को पूरे जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा।